हाँ भाई, तो हमें काम मिल गया ऑटो, ये रहा ऑटो वाला जो आज मैं लेके चल रहा है। कहाँ पर? 80 फीट बुद्धा, और सवारी कराया 15 रुपये सवारी। चल भाई आ जा। और अब हम यहाँ से करेंगे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, और वीडियो जाकर डायरेक्टली रिज्यूम करेंगे द ग्रेट बुद्धा स्टैचू जब हम पहुँच जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपने इस बिहार ट्रिप के अंदर हमने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी बोधगया की, सेकंड भी वीडियो है द ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो 80 फीट है। इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे सुजाता टेम्पल की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं द ग्रेट बुद्धा स्टैचू, और बाकी की जो डिटेल हैं इस जगह के बारे में हम आपको अंदर जाकर देते हैं। अब हम आ चुके मेन एंट्री गेट पर। तो यहाँ से एंट्री शुरू है और एंट्री बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको कोई टिकट परचेज नहीं करनी। बट हाँ, कि अंदर जब आप जाएंगे ना स्टैचू से पहले ही, वहाँ पर शू रखने के लिए रैक बना हुआ है, तो वहाँ पर आप शू उतार कर फिर आप उसके बाद अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ से करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और चलते हैं ग्रेट बुद्धा स्टैचू के नज़दीक। बुद्धा स्टैचू तक जाने से पहले आपको यहाँ अपने शू स्लीपर जो कि अपने पहना होगा उसे यहाँ पर रिमूव करने होंगे, और ये जो शू रैक बना हुआ है ना यहाँ पर आप रख दीजिएगा। उसके बाद आपको नंगे पैर जाना होगा आगे। ये आई मेरे शू थोड़ा झुकले, पैर से उठा रहा जूतों को ज़्यादा ही। ओ भाई गजब है, इतने बड़े दिख रहे बुद्धा हैं। इतना बड़ा नहीं है लेकिन बुद्धा की स्टैचू देखा लायक है। आइए अब जरा जगह के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर में तो बुद्धा की मूर्ति है 80 फीट की, उसके लेफ्ट साइड में तथागत बुद्ध के लेफ्ट साइड में बुद्धा के 5 शिष्य हैं, और तथागत बुद्ध के राइट साइड में बुद्धा के 5 शिष्य हैं। टोटल सराउंडिंग में यहाँ पर 10 शिष्य हैं बुद्धा के, जिनके नाम अब आप स्क्रीन पर ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि भी आपने बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम देखे, तो ये बुद्ध के 5 शिष्य बुद्ध के राइट साइड में हैं, और जो लेफ्ट साइड के नाम है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। पाँच इधर और पीछे बैक साइड में? बैक साइड में नहीं थे। अच्छा चलो, अच्छा ध्यान है तुझे, सब पे नाम है। भिक्षा पात्र दान की थी इधर। भगवान की जय। अब आप बुद्धा मूर्ति के बिल्कुल नीचे देख रहे हैं सेक्रेट फ्रेम, मतलब यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है तथागत बुद्ध की पवित्र लो। और जो ये बुद्धा स्टैचू है इसका अनावरण हुआ था 18 नवंबर 1990 के अंदर, जो कि कहता दलाई लामा ने। तो ये टोटल हाइट जो 80 फीट है, मतलब अकेले बुद्धा की नहीं बल्कि जो स्टेज है उसकी हाइट है 10 फीट। उसके ऊपर जो कमल का फूल है जिसके बुद्धा बैठे हुए हैं, उस फूल की हाइट है कमल के फूल की 6 फीट, और देन फिर जो बुद्धा की प्रॉपर स्टैचू है उसकी हाइट है 64 फीट। तो टोटल मिला के फ्री 80 फीट हुआ। बुद्धा के स्टैचू को 12,000 राजमिस्त्रियों ने मिलकर बनाया था, इसको बनाने में लगे थे 7 साल। यहाँ पर कर्नाटका से कुछ धर्मगुरु भी आए हुए हैं, जिन जो अपने साथ में गाइड भी लाए हैं, तो यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं इस बारे में। स्टैचू इज 64 फीट एंड दिस बेसमेंट इज 16 फीट, बट फ्रॉम दिस लेवल, आई मीन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल इज 80 फीट। Okay. It was opened by Dalai Lama in 1989. Mm. It was made by Indian people, money given by the Japanese people. It took 4 years to complete of this statue. This is made of a stone, but not one piece of a stone. 1,003 pieces of stones are there.
and it took 4 years to complete of the suspension. And this is hollow, not solid, because one in the back, one ventilation is there. And during that Buddha's life, more than 45,000 disciples were there. Among 45,000, few are the men. So 5 are this side and 5 are this side. Total 10 disciples of Buddha's are here. So we will have one round of this statue. Thank you. Then we will get into the bus. तो ये थी सारी जानकारी द ग्रेट बुद्धा स्टैचू के बारे में। मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर बोधगया टेंपल मैंने पूरा कवर किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अब आगे जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो आपको रेगुलर मिलती रहे। अब यहाँ से हम चलेंगे सुजाता स्तूप। उससे पहले बाहर के जो मार्केट है इसके मतलब बुद्धा स्टैचू के बाहर जो मार्केट है वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं बताएंगे। ये देखिए ये 200 की है बड़ी वाली A4 साइज। ये 6-8 है, ये 100 की है, ठीक है, और ये 4-6 है, ये 50 की है। आपका नाम? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, अच्छा, मुझे लगा आप शायद नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हैं। देखिए ना, ऐसे गलती लगा, सॉरी। तो हमारी खींच लीजिए 50 वाली एक एक इंडिविजुअल फ़ोटो, एक एक है ना। पहले इसकी भाई की फ़ोटो ले लीजिए आप। तो चश्मे में अच्छी आएगी या फिर बिना उसके? लगा लीजिए। नहीं, आप ही बताइए ना। लगाने से अच्छा दो खींच लेते हैं, जो अच्छा लगेगा वो बना देंगे। हाँ, ये आपने सही कहा बिल्कुल। पोस्ट तो कैसे भी ले लेते भाई, एक ही आएगा। चश्मे उतार कर ले लीजिए। इसमें वेल्डिंग वाला लग रहा है। उत्तम सही का भाई, अच्छा भाई। भाई तो फ्री फोटो इसकी अच्छा मैं मेरी फोटो ले कैमरा ही ऑन है ना ठीक। 80 फीट बुद्धा स्टैचू से बंद कर चुके हैं एग्जिट और यहाँ पे एक गन्ने का जूस। तो देखिए जूस किस तरह से निकल रहा है। महंगाई के कारण देश की जनता का भी ऐसे ही जूस निकलता है। ये मिनी मार्केट है ना ग्रेट बुद्धा स्टैचू के बाहर ही लगी हुई है। तो मुश्किल से यहाँ पर 8 या 9 स्टॉल होंगे, बहुत छोटी मार्केट है। तो यहाँ पर काफ़ी तरह का सामान मिला, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। एक बात तो अप्रैल में दिल्ली में जितनी गर्मी हो रखी है, गया में गया डिस्ट्रिक्ट में इतनी गर्मी फ़िलहाल तो नहीं है, मौसम अच्छा है। आप लोग अगर यहाँ पर जाते हैं मतलब बोध गया नहीं मेनली किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ परचेज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन लोगों की जो इनकम है वो मेनली टूरिस्ट पर डिपेंड होती है। और जो सामान के प्राइस है यहाँ पर वो भी बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा कोई महंगा सामान नहीं है। इसे क्या तभी है? इसे क्या होता है? कॉम का सामान। अच्छा, साइज के साथ सबका अलग अलग साउंड आएगा। बना किस चीज़ का है ये? 5 मेटल मिक्स है। तो क्या प्राइस है इसका? 600 रुपये। और जो बड़ा वाला है वो 850। ये कितने के भैया? ये वही तो जो सिंगिंग बॉल बनाते हैं। और ये छोटे बुद्धा ये वाले? 50। हाँ जी, 150। अब जिन्होंने मेरी पहली वीडियो बोध गया की नहीं देखी है, ऊपर मैं आई लिंक का ऑप्शन दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक कर आप बोध गया की वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पर अगर पसंद आई है मेरी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।